नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एलियम सिपा के बारे में। एलियम सिपा जो कि रेड ओनियन से, लाल प्याज से बनती है यह दवा एलियम सिपा, होम्योपैथी में यह दवा मुख्य रूप से सर्दी जुकाम की, नाक से जो पानी बहता है उसकी एक बेहतरीन दवा है। और दोस्तों, यह एक्रिड नेसल डिस्चार्ज की एक महा औषधि है। जबकि आपके नाकों से जो पानी झड़ता है, आपके नाकों से जो पानी गिरता है उसमें दोस्तों जलन होता है, और वो बार बार आपको जब नेसल डिस्चार्ज होते हैं वहाँ पर एलियम सिपा बहुत ही लाभकारी हो जाता है। यह कोरिजा की होम्योपैथी में एक प्रमुख दवा है। दोस्तों, वेदर के चेंज होते ही अगर आपका नाक बहने लगता है, आप कोरिजा के शिकार हो जाते हैं, आप में कैटरल इफेक्शंस हो जाते हैं, तो उसमें एलियम सिपा बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, आइए जानते हैं थोड़ा सा विस्तार से इस दवा को। सबसे पहले हम जानते हैं इसका हेड सिम्टम्स। यहाँ पर दोस्तों कैटरल हेडेक होता है। अक्सर आप देखते होंगे कि जब आपको सर्दी जुकाम हो जाया करता है तो आपका नेसल ब्लॉकेज हो जाता है, और नेसल ब्लॉकेज के साथ आपको दोस्तों हेडेक हो जाता है, सरदर्द हो जाता है। सर्दी जुकाम के साथ अगर सरदर्द हो और आपके नाक से बहुत ज़्यादा पानी बहे और सरदर्द उसके साथ हो, तो दोस्तों एलियम सिपा उसे ठीक कर देता है। यह मुख्य रूप से महिलाओं में भी बहुत ही लाभकारी है, जबकि उनके हेडेक जो हैं मेंसेस के वक्त, मासिक स्राव के वक्त आते हैं। और दोस्तों रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपीयर्स, जब उनका मासिक चलता है तो दोस्तों सरदर्द ठीक हो जाता है, और जैसे ही उनका मासिक बंद होता है उनका सरदर्द शुरू हो जाता है। इस तरह के अगर लक्षण हो तो एलियम सिपा उसकी एक बहुत ही कारगर दवा है। दोस्तों, आई सिम्टम्स में आप देखेंगे कि रोगी का जो आँख होगा वो लाल हो जाता है, आँखों में जलन होती है, रेडनेस एंड बर्निंग जो कंजक्टिवाइटिस जैसे लक्षण होते हैं वो देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर एलियम सिपा के साथ यूफ्रेशिया का भी अगर सेवन रोगी को कराया जाए तो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। दोस्तों, इसमें आप देखते क्या है कि आँखों से भी पानी आने लगता है, कई बार बहुत ज़्यादा लैक्रिमेशन होने लगता है आँखों से, जो कि आप रोगी परेशान हो जाता है। एक तो नाक बह रहा है उसमें भी आँख से पानी आ रहा है, तो दोस्तों रोगी परेशान हो जाता है इससे, उसमें भी ये दवा बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, यह ईयर के, कानों के लक्षणों में यह ओटाल्जिया की बहुत अच्छी दवा है। जो कान में जो स्टेचुअल ट्यूब होते हैं उसमें दोस्तों जब बहुत ज़्यादा शूटिंग पेन हो उसमें भी एलियम सिपा बहुत ही लाभकारी है। नाक पर दोस्तों जो इसका सबसे प्रमुख सिम्टम्स है, नाक पर जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पर भी हम बात करेंगे। इसमें नोज में आप ये देखते हैं कि रोगी बार बार छींकता है, उसे छींकें आती है, और अगर वह गर्म कमरे में घुस जाए तो उसका छींक बढ़ जाया करता है। ये एलियम सिपा का लक्षण है। एलियम सिपा का जो रोगी होता है उसे ओपन एयर में, खुली हवा में उसे अच्छा महसूस होता है, और बंद कमरे में वह घुटन महसूस करता है, उसका रोग बढ़ जाया करता है। दोस्तों, इसमें आप देखते क्या है कि नाकों से लगातार पनीला स्राव निकलता रहता है जो कि जलन पैदा करता है और रोगी को परेशान कर देता है। इस तरह का दोस्तों अगर लक्षण आपको दिखे तो एलियम सिपा उसकी एक निर्दिष्ट दवा है, और वह इसे ठीक करने में बेहद ही कामयाब दवा है। दोस्तों, यह नाक के पॉलीपस में भी बहुत ही अच्छा लाभकारी है, जहाँ पर आपको नेसल पॉलीप देखने को मिलता है। वैसे रोगी जिनको प्रीवेंट कोरिजा हो जाता है और उसके साथ हेडेक रहते हैं, सरदर्द बना रहता है, सर्दी जुकाम के साथ सरदर्द बना रहता है, नेसल ब्लॉकेज देखने को मिलता है, नाक रात में बंद हो जाया करता है, वहाँ पर भी एलियम सिपा बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, इसका जो है स्टोमेक में आप देखेंगे कि रोगी को अच्छी खासी भूख लगती है और उनको पाइलरिक रीजन में दर्द रहता है, थर्स्ट होता है उनमें, प्यास लगती है, और बराबर उनको गैस की शिकायत रहती है, बार बार ढकारें आती है। इस तरह का लक्षण में एलियम सिपा बहुत ही लाभकारी है। रेक्टम में दोस्तों डायरिया विद वेरी ऑफेंसिव फ्लेटस, जो आपका दोस्तों गैस जो निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध रहता है,
और डायरिया के केसेस में बहुत ज़्यादा गैस निकलता है रोगी को, वहाँ पर एलियम सिपा बहुत ही कारगर है। रेक्टम में दर्द भी रहता है, और दोस्तों यह फिशर की भी एक अच्छी दवा है, जहाँ पर फिशर में ईचिंग टेंडेंसी देखने को मिलता है उसमें भी ये बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों इसका महत्वपूर्ण लक्षण अब हम लेते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पर। इसमें आप देखेंगे कि हैकिंग कफ ऑन इंस्पायरिंग कोल्ड एयर, अगर आप ठंडे हवा का इनहेल कर रहे हैं, आप सांस तेज़ी से ले रहे हैं ठंडे हवा का, तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा कफ होने लगता है, बार बार आप कफ करने लगते हैं, कफिंग टेंडेंसी आ जाती है आपको, और आपके लेरिंग्स में जो आपका वॉइस बॉक्स होता है वहाँ पर एक टिकलिंग सेंसेशन होता है, लगता है जैसे कोई चीज़ आपको छू रहा हो। इस तरह का दोस्तों रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में एलियम सिपा बहुत ही अच्छा काम करता है, और इस तरह से यह लेरेंजाइटिस की भी एक बहुत ही कारगर दवा है। दोस्तों यह आप जब रूम में क्लोज रहते हैं, आप अपने कमरे में बंद हैं, खिड़कियां बंद रहती है, हवा अगर न मिले तो रोगी बड़ा घुटन महसूस करता है और उसे अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों यहां पर आप देखते क्या हैं कि एक फीलिंग होती है रोगी को कि उनके एपिग्लोटिस जो एक पार्ट होता है उसमें दोस्तों एपिग्लोटिस रीजन में उनको संकुचन महसूस होता है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, और यहाँ पर रोगी जो है अपने कान को बराबर दोस्तों छूता रहता है ताकि उसे यह लगे कि उसका जो कान में दर्द हो रहा है उसमें आराम हो रहा है, क्योंकि सर्दी जुकाम के कारण रोगी में कान दर्द, जबड़े में दर्द ये भी देखने को मिलता है, और उसमें एलियम सिपा बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों ये अनुभव करने की चीज़ है, आप स्वयं इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि जब आपको सर्दी जुकाम होगा तो आपको कभी लगेगा कि कान में भी दर्द हो रहा है, आपके जबड़े में भी दर्द हो रहा है, और ऐसा दोस्तों अक्सर देखने को मिलता है जब मौसम चेंज होते हैं तो वो ह्यूमिड क्लाइमेट का भी देन होता है। और दोस्तों जो थायराइड पेशेंट होते हैं, थायराइड पेशेंट में भी इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम बराबर हो जाया करता है और आपको बार बार दोस्तों जबड़े में, कान में, आपके गले में दर्द महसूस होता है, आपको भारीपन आपके शरीर में महसूस हो रहा हो, तो दोस्तों आप अपना थायराइड टेस्ट भी अवश्य कराएं। और दोस्तों यहाँ पर मुख्य रूप से एलियम सिपा के बारे में मैं बात कर रहा था। एलियम सिपा में इस तरह का जो कोरिजा हो जाता है, जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हमारे होते हैं, सो सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, उसमें एलियम सिपा बहुत ही लाभकारी है। आइए दोस्तों इसके हम एक्सट्रीमिटीज पर जानते हैं। आपका ज्वाइंट में बहुत तेज दर्द होगा और अल्सर्स ऑन हील, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलियम सिपा का। इस लक्षण पर कई डॉक्टरों ने दोस्तों हील के पेन को ठीक किया है। कई दफ़ा आपके एड़ी में जो दर्द होता है उसमें दोस्तों अल्सर्स का फॉर्मेशन हो जाते हैं, अंदरूनी घाव रहता है उसके कारण दर्द होता है। कई दफ़ा हम लोग डॉक्टर भी दोस्तों यूरिक एसिड का जांच लिख देते हैं, यूरिक एसिड के कारण ऐसा होता है, होता भी है, लेकिन यह अल्सर्स ऑन हील अगर लक्षण हो तो दोस्तों एलियम सिपा उसे ठीक कर देता है। अगर आपके एड़ी में अल्सर है और दर्द हो रहा हो तो एलियम सिपा उसकी एक निर्दिष्ट दवा है। आपके ये जो अंगुलियां हैं, अंगुलियों में अगर दर्द रहे तो उसमें भी ये दवा बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों अगर आपका, या महिलाओं में अक्सर देखने को मिलता है कि अगर उनका पाँव दोस्तों भींग जाता है तो उनके जॉइंट्स में पेन हो जाते हैं, अगर अत्यधिक देर तक वो बाथरूम में कपड़ा धोना होता है या कुछ बाथरूम क्लीन व्लीन करती हैं तो उसके कारण जो उनमें दोस्तों पानी में अत्यधिक देर रहने के कारण उनके जॉइंट में जो पेन हो जाता है उसमें एलियम सिपा बहुत ही लाभ करता है। तो दोस्तों ये था एलियम सिपा के बारे में। आइए दोस्तों जानते हैं इसके डोज को। इसका जो डोज होगा दोस्तों, इसमें मॉडलिटीज़ को हम पहले जान लेते हैं कि मॉडलिटीज़ हमने पहले भी आपको बताया कि वर्स इन द इवनिंग, शाम के पहर में आपका लक्षण बढ़ जाएगा, और बंद कमरे में, गर्म कमरे में आपका लक्षण बढ़ जाता है, रोगी खुली हवा में अच्छा महसूस करता है दोस्तों, और ठंडा हवा अगर उनको ले, अगर कोल्ड रूम रहे तो वहाँ पर भी वो अच्छा महसूस करते हैं। इस दवा का जो एंटीडोट है वो है आर्निका, कैमोमिला और वेरेट एल्म। ये तीन दवाई, कैमोमिला, आर्निका और वेरेट एल्म, एलियम सिपा का एंटीडोट है, इसके साथ नहीं लेना है। और दोस्तों आइए इसके डोज को जानते हैं। इसके डोज में आपको एलियम सिपा 6
और 30 को 5-5 बूंद 3 बार, एलियम सिपा 200 को 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।